हमारा ये रोड 21 में निर्माण होने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया और हर साल जो है हमको इसमें 15-20 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है। कई एप्लीकेशन हमने BDO साहब को भी भेजा, ब्लॉक में भी भेजा, ब्लॉक पर काफ़ी हम लोगों ने एप्लीकेशन किया है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रेणु बिष्ट जी का उन भी मतलब इंच की पल्ला झाड़ दिया सर। तो 21, 22 और 23 तीन साल तक आपने पर खर्चा भी हाँ खर्चे कर दिया। और फिर क्या कि अभी भी अगलशाला को हुई थी अगलशाला को ग्राम पाली पट्टी डबराल सिंह विकास खंड द्वारीखाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। गढ़वाल की संस्कृति का सभी दर्शकों ते सेवा सोनी सेमनिया पैलागु नमस्कार प्रणाम। मैं सुरेश बलूनी और आप देख रहे हैं गढ़वाल की संस्कृति। आज मैं द्वारीखाल ब्लॉक की डबराल सिंह पट्टी का पाली गांव जाने छो। पाली गांव चलो सैन मष्टखाल के नज़दीक च और गांव का नज़दीक ही एकदम जंगल च, घनघोर जंगल। ये जंगल में चीड़ का पेड़ ज़्यादा छन, घनघोर जंगल च, चारों तरफ जंगली जंगल च। और ई साइड में चलो सैन मत्थी छोटी दिखेड़ी जो चलो सैन च और ई तरफ मष्टखाल च। गाँव को पैदल रास्ता चाहे गाँव तक रोड भी है लेकिन पुंगड़ी पटेल सब बंजर छन। ये सब ये पुंगड़ छी खेती उन एक बार पहले लेकिन अब सब बंजर हो गया। गाँव को रास्ता से सामने गाँव से गाँव में तो ठीक लगने मजे मतलब जंगल से बहुत महंगा। ग्राम सचिवालय पाली या गोल भी चे पानी भी चे लेकिन नहीं लगने से पानी बर्बाद होने चाहिए। खेती वगैरह थी मुड़ी दिखनी नहीं कुछ। गाँव के बीच में ही जंगल बने हुए यो एक मकान ने छन्ने रह लिया उजड़िया और जो बगल में मकान जो भी उजड़ी हो अन्य गाँव की तरह आई पीछे उजड़ बिजुड़ी शुरू में उजड़ा मकान दिखे। कूड़ उजड़ी आई लेकिन ताल बरकरार से मेरी ताल बिजन का तंज मुड़ी छनी छनी और जो मथे घर से ये घर में भी ये लोग अभी आना जन ये घर से बहरे तन का की थने जाओ जो जुड़ी आज ये घर नहीं डाल तने सन के कुछ दिखना नहीं जे भूमि भूमि में जन हरी सब्जी जे बाकी भी एक नहीं जाएगी दिखला क्या डाल बूट सीजन थोड़ा बहुत थोड़ा एक आध पटेल प्याज भी लगी आलू भी थोड़ा सी कोई डिप्पा भिगो जो पैण चाहिए गाँव बहुत पुराना कोर्ट थी। बहुत पुराना कोर्ट था या नाम मोहनला। अच्छा तो आप रहते ये पर एक पर अच्छा बहुत ये तो 200 से ज्यादा पर सो गए नहीं मगन 200 से ज्यादा 200 से ज्यादा एक मकान है एकदम पीछे। हां जी हां मकान तो बहुत बढ़िया पर टाइम पर तो बहुत अच्छा मकान है वाले तो पहले मकान है ये बराबर तो कोई मकान रहे नहीं वाले टाइम पर वे पर हां वे पर से सर सबसे सुंदर मकान। हां जी अरे मुड़े वाल कहीं से अच्छा उधर तो नंदन हाँ जी एक भरोच रो हाँ एक भाई भरोच रो का एक भाई देर दो एक भाई भरोच और एक देर दो हाँ जी चलो एक गांव में पुराना पुराना मकान जिन लेकिन अभी सभी मकान ठीक ठाक जिन यू मकान जब मैं खड़ी हूँ जो 200 साल से भी ज़्यादा पुराना लेकिन अभी तक ये ऊपर हाल पर हाल
सब प्रणाली बिल्कुल ठीक ठाक छ, जबकि एक इतनी देखभाल भी नहीं। माया राम बिंजोला, ग्राम पाली, पोस्ट ऑफिस चोलीसैन, द्वारिकाल ब्लॉक से बोल रहा हूँ। हमारे ये रोड का जो निर्माण हुआ था 2021 में, 21 में निर्माण होने के बाद खंडोड़ी जी के मतलब कार्यकाल में ये रोड बनी थी, मतलब पूर्व विधायक थी तो खंडोड़ी, हाँ पूर्व विधायक। उसके बाद में रोड पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और हर साल जो है हमको इसमें 15-20 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है। हर कई एप्लीकेशन हमने बीडीओ साहब को भी भेजा, ब्लॉक में भी भेजा, पी डब्ल्यू डी वाल कुंडी भेजे भी उन बार 3 साल बाद है मेन बार, तो 3 साल बाद अभी हम बाल अब दिखला फिर। और तब वही बात हम ब्लॉक पर भी काफ़ी हम लोगों ने एप्लीकेशन किया है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपन विधायक जी को नहीं बार विधायक जी का भी बोल चुके, क्या बोल रहे रेणु बिष्ट जी का, उन भी मतलब इंच पल्ला झाड़ दिया सर। क्या बोलूँ, हाँ बोला ये सब हो गया, अभी तो सब काम शुरू होने वाला है सब, मगर काम किधर भी शुरू नहीं हुआ। तो कितना टाइम पहले बोलूँ अभी ये मतलब अभी कम से कम 5-6 महीना पहले ऐसा ही चोल सड़म वो बैरून 10 मरीज भी बता दें कि 10 मरीज रोड अभी हम लोग निर्माण करना चाहो ये करना चाहते। लेकिन अभी ये जो आप रोड से या रोड कच्ची रोड से अभी, हाँ जी पूर्व कच्ची रोड से, बरसात में बहुत तकलीफ, सब टूट जाना नहीं स्लिप आ जाए, हाँ एसपीड स्लिप आ जाना, ये वजह से जो आची की काफ़ी तकलीफ होनी चाहिए। साफ अपना आप करता अब फिर अब पिता कान पड़ ना, तो फिर आप जरूरत पड़े तो फिर आप पिता कान पड़, और जे सी बी वाले बहुत खर्चा पड़ता फिर वो 1500 रुपये एक घंटा लेना, तो अब उगबटे ना आना 3-4 घंटा तो सुधी भी लग जाना। सब जोड़ी गन वही तो मुसीबत, बीच में शुरू में हम तब 15,000 रुपये देने पड़े, पर धीरे धीरे फिर 12,000 पर फिर 10,000 पर इनकर मतलब जो आची इनमें करना चाह। तो ये रोड कब है तैयार, 2021 में, ये 21 में तैयार हो गया, हाँ जी। तो 22 फीट का आप करना सिर्फ पर 21 में वो साल टूट गया चाहे वो मतलब जनवरी वो अप्रैल में ही में बन चाहे, और रोड बरसात में टूट गया। तो 21, 22 और 23 3 साल तक आपने ऊपर खर्चा भी कर, हाँ खर्च कर दिया। और फिर क्या चाहिए अभी भी अगले साल को हुई कि अगले साल को हाल क्या, फिर ज़्यादा टूट जाए तो फिर मैं ज़्यादा पैसा लेना फिर जेसीबी वाल भी वही हिसाब से। और पाली गांव में एक सबसे बड़ी जो एक दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या है वो सड़क की है, गाँव में सड़क तो यहीं ये सड़क है यहीं, लेकिन ये सड़क कच्ची है और 2021 में सड़क को निर्माण हुई चाहिए, और वे के बाद अभी तक 21, 22 और 23 3 बरसात निकल गए ने, और 3 बरसात में जो एक बार खर्चा कारू गाँव उनका ही, और विधायक और पी रोल्डी और अन्य जो भी संबंधित जो विभाग से ना कोई भी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक पाली ही गाँव की ये समस्या नहीं है, ये समस्या पूरा उत्तराखंड हर पर्वतीय क्षेत्र में, हर गाँव में, और विशेषकर यम के सर विधानसभा में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो माननीय विधायक जी से मैं भी अनुरोध कर दूँ कि आप ये रोड पर भी ध्यान दिया।